आज गाना जो रिलीज़ हुआ है उसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो केडी भैया इस गाने का डायरेक्टर है और सिंगर, लिरिक्स एंड कंपोज़र मैं ही हूँ। रैप भी इस गाने में मैंने ही दिया है। और जो इस गाने की एक्ट्रेस थी वो आ नहीं पाई, तो इशिका जी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग का होने वाला है ये इशिका जी के साथ, तो इशिका जी आई हैं। तो केडी भैया, जब शूट के समय ना जो ज़्यादा हम सीरियस हो जाते हैं एक्चुअली, कि उस आर्टिस्ट या सिंगर वो एक्टिंग अच्छा नहीं करता है ना, तो उसको हम 10 बार बताते हैं, जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम छोड़ते नहीं हैं। चाहे एक गाना एक दिन में बने, चाहे दो गाना एक दिन में बने। एक गाना कितना दिन में शुरू हुआ? ये गाना एक पूरा कंप्लीट हो गया था। ये गाना का वो बोल था, मेरे पीछे पड़े कई आशिक खड़े, मेरे पीछे पड़े कई आशिक खड़े, अब आके तू शोर मचावाना। उसके बाद मेरा लाइन था, अच्छा, आवना ए रानी आवाना, आवना ए रानी आवाना, दिलवा की प्यास बुझावाना। और इसका एक रैप था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने भोजपुरी में किया है जी, वो आजा रानी जल्दी बाहर आ, आके शोर मचा, दिल का प्यास बुझा, बेबी तेरे नखड़े बड़े, जिद पे हम भी अड़े, आके मिल एक बारी, खिड़की के नीचे खड़े, तेरी एक झलक मिल जाए, चाहे सूली पे चढ़ जाए, अपने डैडी को बोल के हमरा तू तड़सा बना, आवन ए रानी। यही था गाना। नहीं नहीं, मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट था, मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है मेरे लिए कुछ भी। अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो फाइनेंशियली लेकर के हर चीज़ से बहुत ये होता है, लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब अगर कुछ अच्छा करना चाहो तो भगवान भी आपके साथ होते हैं, तो भगवान हमेशा मेरे साथ थे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे दोस्त यार, और के सबसे बड़ा केडी भैया हैं जो हमेशा साथ होते हैं। मेरा सारा प्रोजेक्ट केडी भैया करते हैं, अगर पैसा कम भी देते हैं तो चलता है, डायरेक्शन के मेरे से चार्ज नहीं करते, बाकी लोग से चार्ज करेंगे। ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत ट्राई किया कि ये अच्छा, मतलब गाना अच्छा बना है तो कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको ये किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो मैंने बहुत कोशिश भी किया था, जैसे कि उसका नाम बता नहीं सकता हूँ, बहुत सारे चैनल के पास ना गेडी भैया, हम खुद से बात, तो मतलब बहुत सारे। और ये गाना का मतलब मैं न्यू सिंगर हूँ तो ज़्यादा तो ये वैल्यू मिलेगा नहीं मार्केट में, क्योंकि जो ज़्यादा बसते हैं मार्केट में उनको ज़्यादा ये क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स मिलता है, उनको ज़्यादा वैल्यू मिलता है। तो मुझे लेकिन एक मुकेश भैया थे, मुकेश पांडे जी, जो बोले कि ठीक है राहुल जी आपका गाना बहुत अच्छा है तो आपको मैं चांस दूंगा। तो मुकेश भैया, फिर मुकेश पांडे जी जो स्पीड रिकॉर्ड के मालिक है, वो ये गाना वो ले रहे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं ले पाए। तो फिर मैंने दूसरा कंपनी ट्राई किया, फिर मतलब बहुत सारे कंपनी लोग डिमोलाइज भी किए कि नहीं आपका, पहले तो बोले कि मैं आपका गाना ले लूँगा, जितना मैंने बोला कि जितना मेरा खर्च हुआ है उतना मुझे रिकवर, मतलब उतना ही चाहिए, फिर मैं उस गाने उस पैसे से फिर और प्रोजेक्ट दूंगा बैक टू बैक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर लास्ट में केडी भैया बोले कि आप एक काम करो, तुम अपना ऑफिशियल चैनल खोलो, कोई कंपनी का सहारा मत लो, तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है, काम अच्छा है। तो फिर हम सोचे तो फिर अपना कंपनी खोले और सारा प्रोजेक्ट अपने कंपनी पे ही कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में तो प्रोड्यूसर का भी नाम नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर का और सिंगर का नाम। वो एक्चुअली इसका गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं है, वो सीएमएस वाला गलती, मैंने भेजा लिखा नहीं है और उनको मैं बोला। टीजर में देखिए, टीजर में उसका नाम है स्नेहा झा का, प्रोड्यूसर सबका सबका टीजर में नाम है, लेकिन टीजर मैंने खुद से बना के दिया था। यहाँ के जितने भी है ना लोग, क्या बोलते हैं, सीएमएस जो देखते हैं वो लोग, क्या बना बना सब कुछ मिल जाए तब करेगा वो लोग। इसका ये पोस्टर भी मैंने बाहर से ही बनवाया, नहीं पलटी हो सकता, नहीं हो सकता है, लेकिन बोलेंगे फोन, डिस्क्रिप्शन तो चेंज हो ही सकता है, उन्हें उस फोन करके बोलेंगे लिखाएगा, फिर उम्मीद है कि चेंज होगा, उम्मीद क्या, आशा है पूरा 100% रहेगा कि वो लिखाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि हर एक्ट्रेस का नाम होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठोकर खा चुके होते हैं, इसी वजह से पता चल जाता है लोगों को, मतलब जो नया सिंगर होते हैं। जैसे कि मेरा मतलब मैं पटना में आया, केडी भैया बोले पटना आओ यहीं से करो, पहले मैं धनबाद से ही कर रहा था, लेकिन जब पटना के पता चला तो बहुत सपोर्टिव आदमी है यहाँ पे, जैसे कि हमारे भैया हैं उमेश भैया, मेरे भाई हैं केडी भैया हैं, इसके मतलब मेरा मित्र हैं जो क्या ये कुणाल भैया, तो बहुत लोग सपोर्ट किए,
पटना में सबसे पहले मैं मिला ये कुणाल भैया से ही, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मैं सोचता था कि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप रास्ते पे चलने लोगे तो रास्ता दिखने लगता है, वही बात होता है। जब आपको इतने लोग सपोर्ट करते, फिर आपने ये बात क्यों बोला कि मतलब मेरे माइंड में पहले आया था, लेकिन जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मिलते गए लोग सपोर्टिव। जी मैं बहुत कोशिश करूँगा कि भोजपुरी में बहुत डिफरेंट तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकूँ लोगों को, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो लोगों को, ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि मैंने ट्राई किया इस टाइप का जो आवाना रानी, उसमें रैप भी डाला और गाना भी किया, तो देखा कि लोगों को पसंद आ रहा है। और इससे पहले मेरा कच्चा बादाम आया था, वो भी बहुत अच्छा चला, और इससे पहले अभी कुछ दिन पहले विश्वकर्मा पूजा का गाना जो कि 2 दिन में 60,000-70,000 पार कर गया व्यूज़। देखिए राज भाई तो सीनियर है, लेकिन मैं ये बात बता नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो आगे पता चलेगा, क्योंकि बोलने से अच्छा है कि करके दिखाना। अगर मैं बोल देता हूँ कि हाँ मैं आपसे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अगर कर मतलब कर ही नहीं पाऊँगा तो फिर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने सोचा है भोजपुरी में एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना, थोड़ा अलग रास्ते पे चलना, तो उसको पब्लिक से मैं वही चाहूँगा कि थोड़ा एक्सेप्ट करे मुझे, और मुझे थोड़ा आशीर्वाद दे, प्यार दे, ताकि मैं और कर सकूँ, क्योंकि गाना चलेगा तभी मैं आगे कर पाऊँगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर नहीं कर पाऊँगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट एक है एम्बेसडर कार, जो बहुत अच्छे लेवल पे होगा, मैं हिंदी भी गाता हूँ, हिंदी में भी रैप करता हूँ, और वो गाना बहुत डिफरेंस होगा। जो एम्बेसडर कार है वो मैं अपने फादर के ऊपर लिखा हूँ, क्योंकि मेरे फादर ये टैक्सी ड्राइवर है, तो पापा को एम्बेसडर से बहुत लगाव था, मतलब अभी तक मेरे घर में एम्बेसडर है, जब हम पैदा भी नहीं लिए थे उस टाइम से मतलब मेरे पापा का एम्बेसडर था, और डेली इसको पोछना, साफ करना, फिर उसी से हम लोग का घर चलाना, मतलब सब कुछ भरण पोषण हर कुछ जितना भी ये होता है पर्सनैलिटी हम लोग का, सब कुछ उसी से। वो गाना बहुत अलग देखने को मिलेगा ना बॉलीवुड, वो बहुत अलग, जैसा बादशाह हनी सिंह का होता है उस लेवल से, मतलब कोशिश करेंगे कि आए।